किसी भी इंसान को मातृभाषा और राज्य की भाषा आनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर इंसान 4 से 5 लैंग्वेज बोल सकता है तो काफी फायदेमंद होता है। जैसे भविष्य में आप किसी और के साथ उसकी मातृभाषा में बात करेंगे तो उससे अच्छी दोस्ती बनती है। काफी लोगों के साथ ऐसा होता है, कोई अनजान जगह पे जाके किसी से बात करने में मुश्किल आती है, लेकिन अगर कोई आपकी भाषा में बात करने वाला मिल जाए तो उससे काफी अच्छी दोस्ती हो सकती है। इन बातों के सिवा साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर बच्चा बचपन से अलग अलग भाषाएं सीखे तो उसका दिमाग तेज होता है, साथ ही बच्चा दूसरी भाषाएं भी बोलने सीखता है। 3 से 5 साल की एज में बच्चों की ग्रैस्पिंग पावर काफी फास्ट होती है, और ये सच है कि बचपन में सिखाई गई चीजें हमेशा याद रहती है, लेकिन कुछ वक्त पहले पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी में कहा जाता है कि बच्चों को 3 से 5 साल की एज में नए एक्टिविटीज, लैंग्वेज ऐसा कुछ सिखाए जिससे उसका माइंड शार्प होगा। क्या आपने कभी अपने बच्चे को दूसरी भाषा सिखाने की कोशिश की है? अगर नहीं की है तो अब से शुरू कर दें। और इस वीडियो में आपको कुछ रीजंस बताऊंगी कि बच्चों को दूसरी भाषाएं क्यों सीखनी चाहिए। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क ए गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये है कुछ रीजंस जिस कारण बच्चे को दूसरी भाषाएं सीखनी चाहिए। पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस होता है। रिसर्च से पता चला है कि जो बच्चे अपने जीवन में एक से अधिक भाषा सीखना शुरू करते हैं वे पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि दूसरी भाषाओं के शब्द, उनके बोलने का तरीका, ये सब सीखने में दिमाग ज्यादा यूज होता है। और किसी भी भाषा के शब्द याद रखने से मेमोरी बढ़ती है, क्योंकि बचपन से ही बच्चे को याद रखने की आदत हो जाती है, जिससे वो पढ़ाई में भी सब सीख के अच्छा परफॉर्मेंस देता है। दूसरे संस्कृतियों की समझ। नई भाषाओं से परिचित होने से पहले बच्चों के बड़े होने या उनके टीनेज में आने का इंतजार ना करें। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि 3 से 5 साल की एज में बच्चे जल्दी सीखते हैं, क्योंकि ये फेज में उनका माइंड डेवलप होने लगता है। इसीलिए अब बच्चे को दूसरी भाषाएं और उनकी संस्कृति के बारे में भी सिखाइए। इससे बच्चे दूसरा देश के रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, ये सब भी सीख सकता है, जिससे बच्चे का जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक नई भाषा का बुनियादी ज्ञान भी आपके बच्चे का आत्मसम्मान को बढ़ावा दे सकता है, साथ ही उसके कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे हो जाएंगे, जिससे अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होंगी, जो बच्चे को भविष्य में करियर के लिए फायदेमंद रहेगा। कुछ नया सीखते हैं। इन सब बातों के सिवा बच्चों को हमेशा कुछ नया सीखने की प्रेरणा मिलती है, और सबसे बेस्ट बात ये है कि बच्चे के पास एक एडिशनल स्किल होती है जो उसे कभी न कभी काम आएगा, और जीवन में कुछ भी एक्स्ट्रा सीखा हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। तो ये थी कुछ वजह बच्चे को बचपन से नई भाषाएं क्यों सिखाई जानी चाहिए, जिससे बच्चे को अपने जीवन में और भविष्य में कौन से फायदे भी हो सकते हैं। आप भी अपने बच्चे को नई भाषाएं सिखाने की कोशिश करें, और आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।